जीरो टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है मशीनरी मीन्स, मशीनरी को डिफाइन किया गया माइंस के रिस्पेक्ट में सीएमआर के लिए। एनी लोकोमोटिव और एनी स्टेशनरी और पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेशर, बॉयलर और स्टीम अपैरेटस विच इज और, कोई भी लोकोमोटिव, कोई स्टेशनरी और पोर्टेबल इंजन हो, कोई एयर कंप्रेसर हो, कोई बॉयलर हो, कोई स्टीम अपैरेटस हो, एनी सच इक्विपमेंट यूज फॉर कटिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल विच इज और, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो कि कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, लोडिंग या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए यूज़ किया जा रहा हो, अंडरग्राउंड चाहे ओपन कास्ट, यहाँ पे दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एनी सच अपैरेटस, अप्लायंस और कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस इंटेंडेड फॉर डेवलपिंग, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग, कन्वर्टिंग और यूटिलाइजिंग एनर्जी, यानी ऐसा कोई भी अप्लायंसेज जो कि जैसे सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर हो गए, स्विचेज हो गए, ये सारी जो चीज़ें जो कि एनर्जी को डेवलप करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए यूज़ किए जाएँ, वो सारे अपैरेटस आएंगे। फिर एनी सच अपैरेटस, अप्लायंस और कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेज इफ एनी पावर इज डेवलप्ड, स्टोर्ड, ट्रांसमिटेड, कन्वर्टेड और यूटिलाइज्ड, देयर बाय यूज्ड और इंटेंडेड फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशंस। कोई ऐसा अपैरेटस, अप्लायंस, कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस जिसमें कोई पावर डेवलप हो रही हो, चाहे स्टोरेज हो रहा हो पावर का, ट्रांसमिशन हो रहा हो, पावर का कन्वर्जन हो रहा हो और उसको यूटिलाइज किया जा रहा है किसी माइनिंग ऑपरेशन से रिलेशन में, या ऐसा इंटेंडेड है यानी कि उससे यूटिलाइज किया जा सकता है माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड, तो उसको मशीनरी के डेफिनेशंस में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजर को डिफाइन किया गया, मींस अ मैनेजर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 27। रेगुलेशन 27 आगे के वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो मैनेजर की डेफिनेशन और क्लियर आपको समझ में आएगी। ऐसे मैनेजर तो पता ही है, मैनेजर होते हैं माइंस के फर्स्ट क्लास होल्डर, सेकंड क्लास होल्डर, जैसे जैसे आउटपुट होता है, आउटपुट पर डिपेंड करता है कितना आउटपुट पर कौन सा मैनेजर रह सकता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को डिफाइन किया गया है, मींस एन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु मैन्युफैक्चर्स मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल हो, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो जो कि किसी टाइप की मशीनरी, कोई प्लांट, कोई इक्विपमेंट, कोई अप्लायंस, कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहा हो जो कि कोल माइन के अंदर इस्तेमाल किया जाता हो, उन लोगों को बोलेंगे मैन्युफैक्चरर्स, वो लोग होंगे मैन्युफैक्चरर, उत्पादनकर्ता। फिर मटीरियल डिफाइन किया, इंक्लूड स्टोन, कोल, डेब्रीज और एनी अदर मटीरियल। मटेरियल के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, कोल आ जाता है, स्टोन आता है, डेबरी आ जाता है, अदर मटेरियल में जैसे कोई ऑयल है जो माइन के अंदर यूज़ होता है, कोई वुडन ऑब्जेक्ट है, कोई चॉक है, कोई स्टील का कॉग है, ये सब मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है माइन को डिफाइन किया, माइन की डेफिनेशन हमने माइंस एक्ट 1952 में पढ़ी थी, अब यहाँ देखिए क्या बोला है इसको। फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 4 अंडर दीज रेगुलेशंस मीन्स ऑल एक्सकवेशन विद इन द माइन बाउंड्री एंड ऑल प्रीमाइसिस, plants, machinery and works as specified in clause J of subsection 1 of section 2 of the act and the same shall collectively constitute a mine. यानी कि clause J जो है section, subsection 1 का, जो कि section 2 of mines act में दिया गया था, उसके अंदर जो definition है वही mine की definition यहाँ भी applicable होगी। नीचे मैं link छोड़ देता हूँ, आप mine की definition जरूर देखिएगा detail में। Next definition misfire की, means the failure to explode of an entire charge of explosive in a short hole or a blast hole. कोई short hole है, कोई blast hole है, ब्लास्ट होल के अंदर क्या एक्सप्लोसिव चार्ज किया, डेटोनेटर प्राइम किया हुआ है, डेटोनेटर चार्ज किया हुआ है, और जब हमने उसको एक्सप्लोड किया तो वो हो सकता है फटा ही नहीं, ब्लास्ट ही नहीं हुआ। ब्लास्ट नहीं होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, डेटोनेटर फॉल्टी रहा हो, डेटोनेटर ब्लास्ट ही ना किया हो। सेकेंड रीज़न हो सकता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, शॉक का मेथड है तो शॉक देने में कहीं कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया हो, कोई भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जो होल नहीं ब्लास्ट करते हैं उनको बोलते हैं मिसफायर। ये एक जो फोटो देख सकते हैं डेटोनेटर की, डेटोनेटर का देखिए कैप साइड से डेटोनेटर जो है ना हल्का सा ब्लास्ट हो गया और ये पूरे पूरे चार्ज को डेटोनेट करने में फेल कर गया, इसलिए डेटोनेटर एज इट इज रिकवर हो गया। ऐसे ब्लास्ट होल को हम लोग मिसफायर बोलेंगे। नेक्स्ट है मंथ को डिफाइन किया गया, मंथ मीन्स ए कैलेंडर मंथ, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च जो नॉर्मल कैलेंडर मंथ है उनको मंथ बोलते हैं। नेक्स्ट अब है ऑफिशियल को डिफाइन किया गया, means a person appointed in writing by the owner, agent or manager to perform duties of supervision in a mine or part thereof and includes an assistant manager, a ventilation officer, a safety officer, a sampling in charge, a dust in charge, an overman, a sardar, an engineer and a surveyor. यानी ऐसा कोई भी person जिसको कि appoint किया गया हो writing में, किसके द्वारा, owner के द्वारा, agent के द्वारा या manager के द्वारा, और कौन सी duty perform करने के लिए, to perform duties of supervision, सुपरविज़न की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए माइन में अपॉइंट किया गया हो, किसी माइन के पार्ट में सुपरविज़न की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया गया हो,
और जो ऑफिशियल है वो इंक्लूड करते हैं इन लोगों को भी. असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल के कैटेगरी में आएंगे, वेंटिलेशन ऑफिसर भी ऑफिशियल की कैटेगरी में आएंगे, एक सेफ्टी ऑफिसर भी ऑफिशियल की कैटेगरी में, एक सैम्पलिंग इंचार्ज जो होगा चाहे डस्ट इंचार्ज होगा वो ऑफिशियल की कैटेगरी में, जो ओवरमैन होगा या सरदार होगा वो भी ऑफिशियल की कैटेगरी में, जो इंजीनियर होगा या सर्वेयर होगा वो भी ऑफिशियल की कैटेगरी में आएंगे. ऑफिशियल के साथ खास बात क्या है कि ऑफिशियल का जो अपॉइंटमेंट है ये राइटिंग में होगा, किसके द्वारा, ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा, इन तीनों में कोई भी कर सकते हैं अपॉइंट. नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑन सेटर की. ऑन सेटर किसको बोलते हैं? ऑन सेटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन्स, टूल्स एंड मटेरियल्स एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल्स एट एनी इनसेट और शाफ्ट बॉटम. पहले हमने इनसेट पढ़ा था. देखिए, इनसेट में जो भी पर्सन डिप्लॉय होता है और इस पर्सन का काम क्या होता है, जब भी कोई केज आएगी इस इनसेट पे, इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसको सुपरिटेंड करना कि उसमें से आदमी उतर जाए, मटेरियल है तो लोड हो जाए, मटेरियल अनलोड करना, अनलोड हो जाए, साथ ही साथ सिग्नल ट्रांसमिट करना शाफ्ट बॉटम तक या सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं ऑन सेटर. नेक्स्ट है ओवरमैन. मीन्स अ पर्सन पोजेसिंग अ मैनेजर्स और ओवरमैन सर्टिफिकेट अपॉइंटेड बाय द मैनेजर इन राइटिंग अंडर एनी डेजिग्नेशन व्हाटसोएवर टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन और कंट्रोल इन अ माइन और पार्ट देयर ऑफ एंड इज एज सच सुपीरियर टू अ सरदार. ओवरमैन पढ़ने से पहले, अभी हमने जो असिस्टेंट मैनेजर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें असिस्टेंट मैनेजर के चार फंक्शन बताए गए थे. सुपरविजन तो था ही, कंट्रोल तो था ही, साथ में मैनेजमेंट और डायरेक्शन भी था. तो ओवरमैन की जो ड्यूटीज़ हैं उसमें डायरेक्शन और मैनेजमेंट ये दो चीज़ें नहीं है, ओनली सुपरविजन और कंट्रोल है. अब क्या है कि कोई भी पर्सन हो जिसके पास मैनेजर्स का सर्टिफिकेट हो या ओवरमैन्स का सर्टिफिकेट हो और मैनेजर ने उसको राइटिंग में अपॉइंट किया गया हो सुपरविजन और कंट्रोल की ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए किसी भी माइन या किसी पाइन के पार्ट में, और वो जो आदमी होगा वो एक सरदार से सुपीरियर होगा. ये है ओवरमैन की डेफिनेशन. ओवरमैन के दो काम है, सुपरविजन करना और कंट्रोल करना. इसका काम मैनेजमेंट नहीं करना है, इसका काम डायरेक्शन नहीं देना है. फिर है प्रिंसिपल ऑफिशियल. प्रिंसिपल ऑफिशियल किसको बोलेंगे? मीन्स द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन. यानी सीनियर मोस्ट माइनिंग ऑफिशियल जो कि ड्यूटी में प्रेजेंट हो किसी माइन में, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफिशियल. नेक्स्ट है पब्लिक रोड. पब्लिक रोड किसको बोलते हैं? मीन्स अ रोड मेंटेन्ड फॉर पब्लिक यूज एंड अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. यानी ऐसी कोई भी रोड जो कि पब्लिक यूज में हो और जो रोड का जो ज्यूरिडिक्शन है वो किसी गवर्नमेंट के पास हो या किसी लोकल अथॉरिटी के पास हो, यानी माइन ऑफिशियल्स के पास उस रोड की कोई अथॉरिटी ना हो. नेक्स्ट है क्वार्टर. क्वार्टर किसको बोलते हैं? क्वार्टर यानी साल में चार क्वार्टर होते हैं. 31 मार्च को एक क्वार्टर ख़त्म होगा, फर्स्ट क्वार्टर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, दूसरा क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून, तीसरा क्वार्टर 1 मई से लेकर 30 सितंबर, और चौथा क्वार्टर जो होगा वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, यानी 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हो गए. फिर रेलवे को डिफाइन किया गया है. मीन्स अ रेलवे एज डिफाइंड इन द रेलवेज एक्ट 1989 रेलवेज एक्ट, जो उसके अंदर जो रेलवे की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ एज इट इज़ एप्लीकेबल होगी. नेक्स्ट रीजनल इंस्पेक्टर को डिफाइन किया गया. मीन्स एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर एन जियोग्राफिकल एरिया इन विच द माइन इज सिचुएटेड एंड ओवर विच ही एक्सरसाइजेज हिज पावर अंडर दिस एक्ट. यानी किसी माइन के रिस्पेक्ट में अगर रीजनल इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो कोई माइन किसी एक जियोग्राफिकल रीजन के अंदर में पड़ रही होगी, उस जियोग्राफिकल रीजन के ऊपर जिस इंस्पेक्टर का कंट्रोल होगा, जिस इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का कंट्रोल होगा उसको बोलेंगे रीजनल इंस्पेक्टर. अब नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है रिवर की. मीन्स एनी स्ट्रीम और करेंट ऑफ वाटर वेदर सीजनल और पेरेनियल एंड इंक्लूड्स इट्स बैंक एक्सटेंडिंग अप टू द हाइएस्ट नोन फ्लड लेवल. कोई भी स्ट्रीम हो, करेंट ऑफ वाटर हो, चाहे सीजनल हो चाहे हमेशा बहने वाली पानी का कोई स्ट्रीम हो, और जो नदी की बाउंड्री है वो हाइएस्ट नोन फ्लड लेवल तक एक्सटेंड करती है. जैसे ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये डिस्टेंस दी गई है और ये रिवर ड्रॉ की गई है. ठीक है, रिवर का डेप्थ ड्रॉ किया गया है, एलिवेशन कितना है, तो HFL यहाँ पर मार्क किया गया है. तो रिवर के डेफिनेशन में हाईएस्ट नोन फ्लड लेवल जो है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे रिवर हमेशा, इस वाले पोर्शन को. भले पानी आज की डेट में यहाँ तक ही है लेकिन ये रिवर इसको बोलेंगे, ये है रिवर की बाउंड्री इतनी. नेक्स्ट रिस्क है. रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस. रिस्क को जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जब पढ़ेंगे तो उसमें रिस्क को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए डेफिनेशन पर्पस से, रिस्क जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसी एक स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट के लाइकलीहुड और उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का. अब ये देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर ये एक ट्रैप है. ट्रैप में क्या, बीच में कॉइन रखा हुआ है. जैसे ही ये हाथ इस कॉइन को उठाता है ये ट्रैप बंद हो जाएगा,
ये हाथ को जकड़ लेगा, ये क्या है, रिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड, तो अगर हम इसको क्वाइन को उठाएंगे और ये बंद होगा, लाइकलीहुड की क्या पॉसिबिलिटी है, वेरी हाई, ये हमेशा होगा, जितनी बार उठाएंगे उतनी बार होगा। और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर अगर उठ गई, अगर ये ट्रैप बंद होता तो क्या होगा, हाथ को रप्चर कर देगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा कि लाइकलीहुड भी साथ में देखेंगे और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस भी देखेंगे, उन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तब बनेगा रिस्क बनेगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में डिटेल में। नेक्स्ट है रोडवे। रोडवे किसको बोलेंगे, मीन्स एनी पार्ट ऑफ अ पैसेज और गैलरी बिलो ग्राउंड विच इज़ मेंटेन्ड इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ अ माइन। वहाँ हमने हॉल रोड पढ़ा था ओपन कास्ट में, अब अंडरग्राउंड के रिस्पेक्ट में रोडवे बोलते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड में कोई भी पैसेज और गैलरी जिसको कि मेंटेन किया जाता है वर्किंग ऑफ द माइन के रिस्पेक्ट में, वर्किंग ऑफ माइन के कनेक्शन में, उसको बोलेंगे रोडवे। नेक्स्ट शेड्यूल, मीन्स अ शेड्यूल अपेंडेड टू दिस रेगुलेशन। जो CMR 2017 है इसके लास्ट में एक शेड्यूल अपेंड किया गया जिसमें कन्वेंशंस फॉर प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड सेक्शन, यानी सिंबल दिए हुए हैं, मार्क दिए हुए हैं कि चलिए नाले के लिए यूज़ करना है, शाफ्ट के लिए ये मार्क यूज़ करना है, उस शेड्यूल को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, उस शेड्यूल को बोलेंगे शेड्यूल। अगर जहाँ भी अगर CMR के अंदर में शेड्यूल वर्ड आप पढ़ेंगे तो वो उसी शेड्यूल को रेफर कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर्टिकुलरली इसको डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है शाफ्ट। शाफ्ट मीन्स अ वे और ओपनिंग लीडिंग फ्रॉम द सर्फेस टू वर्किंग्स बिलो ग्राउंड और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड टू अनदर इन विच अ केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस कैन ट्रैवल फ्रीली सस्पेंडेड विद और विदाउट द यूज ऑफ गाइड्स। दो तीन चीज़ें हैं, पहले तो आप देखिए क्या है कि ऐसी कोई भी जो ओपनिंग है जो कि सरफेस से ले करके बिलो ग्राउंड तक एक्सटेंड कर रही हो, या फिर बिलो ग्राउंड से ही स्टार्ट होकर के फिर और फर्दर डेप्थ तक जाती है और वहाँ तक एक्सटेंड कर रही हो, टाइप की जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे शाफ्ट बोलेंगे। और शाफ्ट में क्या है, इस शाफ्ट की खास बात क्या है कि शाफ्ट के अंदर में कन्वेयंस के लिए हम लोग केज यूज़ करते हैं, केज भी दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड केज हो सकती है या फिर गाइड के साथ हो सकती है। तो फ्रीली सस्पेंडेड केज क्या है, जैसे ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो केज है ये फ्रीली सस्पेंडेड केज है। इस केज का जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ बस ये सेंटर से रोप लगी होगी, इस साइड में कुछ भी नहीं लगा होगा, तो ये हो गई फ्रीली सस्पेंडेड केज। फिर कह रहे हैं विद और विदाउट यूज़ ऑफ द गाइड्स, यानी विद गाइड्स की बात करें जैसे ये केज है, केज में क्या होगा, चारों साइड से रोप पास कर रही होगी चारों कॉर्नर से, तो जब ये केज अप एंड डाउन होगी तो केज को क्या करती है, ये रोप जो होती है वो गाइड करती है, केज को स्टेबल रखती है, केज को हिलने डुलने से रोकती है। थर्ड टाइप के केस में क्या हो सकता है, रेल्स लगी हो सकती है और केज में ना व्हील्स लगे हो सकते हैं, तो ये व्हील्स के ऊपर रन कर सकते हैं, व्हील्स इसको गाइड कर सकते हैं, ये इसको बोलते हैं, इस टाइप की गाइड को बोलते हैं रिजिड गाइड, इस टाइप की बोलते हैं फ्लेक्सिबल गाइड्स, जो रोप वाली गाइड होती है। नेक्स्ट शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर किसको बोलते हैं, मीन्स अ पर्सन सो अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 190। शॉर्ट फायरर जो होता है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, इसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा होगी, कॉम्पिटेंट पर्सन है, इसका अपॉइंटमेंट भी राइटिंग में होगा और इसको अपॉइंट किया जाएगा रेगुलेशन नंबर 190। जब रेगुलेशन नंबर 190 जाएंगे तो शॉर्ट फायरर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि शॉर्ट फायरर का काम होता है एक्सप्लोसिव उड़ाना, अंडरग्राउंड में एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करना, शॉर्ट होल फायर करना। नेक्स्ट है सॉकेट। सॉकेट किसको बोलते हैं, इसे ब्लास्टिंग तो कर लेते हैं हम लोग, ब्लास्टिंग के बाद क्या होता है कि कुछ होल्स बच जाते हैं, उन होल्स को बोलते हैं सॉकेट। डेफिनेशन देखिए, मीन्स अ शॉर्ट होल और अ ब्लास्ट होल और पार्ट देयर ऑफ रिमेनिंग आफ्टर बींग चार्ज विद एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टेड एंड विच इज़ नॉट नोन टू बी मिसफायर्ड होल। यानी ऐसा होल या ब्लास्ट होल या शॉर्ट होल जिसका कोई पार्ट बच जाता है जब एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है, और उस होल को हम लोग मिसफायर की कैटेगरी में नहीं रखते, यानी जो होल मिसफायर है वो उसको सॉकेट नहीं बोलेंगे। अब देखिए पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे ये फेस था, फेस पे एक्सप्लोसिव चार्ज किया हुआ है, ब्लास्ट हुआ, और ये जो पोर्शन बचे, ये जो छोटे छोटे होल देख रहे हैं इनको बोलते हैं सॉकेट। इतने जो पोर्शन का जो फुल पोर्शन था इतना तो ब्लास्ट हो गया, इसकी जगह कोयला यहाँ गिर गया, और बाकी जो छोटे छोटे पोर्शन बच गए इसको बोलते हैं सॉकेट बोलते हैं, ये है सॉकेट। नेक्स्ट देखते हैं सप्लायर किसको बोलते हैं। सप्लायर को डिफाइन किया गया, मीन्स एन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु सप्लाइज अ टेक्नोलॉजी, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइन। डिज़ाइनर पढ़ा हमने, मैन्युफैक्चरर पढ़ा, डिज़ाइनर जो कि डिज़ाइन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब क्या है सप्लायर। सप्लायर क्या है, ना डिज़ाइन करेगा ना मैन्युफैक्चर करेगा, जस्ट सप्लाई करेगा, यानी जस्ट कोई दुकान वाला है, मान लीजिए दुकान वाले से गए आपने आशीर्वाद का आटा ख़रीदा, ना दुकान वाले ने आशीर्वाद का आटा डिज़ाइन किया है, ना उसका पैकेट का डिज़ाइन किया है, ना उसने वो आटा मैन्युफैक्चर किया, वो क्या किया, जस्ट आपको सप्लाई किया, आप उनसे ख़रीद के लिया है। तो सप्लायर यहाँ पे भी वैसा ही रोल प्ले कर रहा है,
तो मीन्स एन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु सप्लाइज ए टेक्नोलॉजी मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट अप्लायंस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस. ऐसा कोई भी इंडिविजुअल हो, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, इंस्टीट्यूशन हो, जो कि किसी टाइप की कोई टेक्नोलॉजी मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट कोई अप्लायंस या सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा हो, सप्लाई कर रहा हो माइन के अंदर में यूज़ होने के लिए, वो आएगा सप्लायर की कैटेगरी में. नेक्स्ट है टब. टब तो पता होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है. इंक्लूड्स अ वैगन, कार, ट्रक और एनी अदर व्हीकल मूविंग ऑन रेल्स फॉर कन्वेइंग मटीरियल्स. माइंस के अंदर में कोई भी ऐसी चीज़, वैगन, कार, ट्रक जो कि रेल के ऊपर मूव होती हो, उसको बोलेंगे टब. नेक्स्ट है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे. मीन्स सच पार्ट ऑफ अ माइन बिलो ग्राउंड एज हैज़ एन इंडिपेंडेंट इनटेक एयर वे कमेंसिंग फ्रॉम अ मेन इनटेक एयर वे एंड एन इंडिपेंडेंट रिटर्न एयर वे टर्मिनेटिंग एट अ मेन रिटर्न एयर वे एंड इन द केस ऑफ अ माइन और पार्ट देयर ऑफ विच इज़ वेंटिलेटेड बाय नेचुरल मीन्स द होल माइन और पार्ट. ये एक एग्जाम्पल है, देखिए डायग्राम से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा. ये इनटेक्स है किसी मेन इनटेक है माइन के, और ये मेन रिटर्न वेज है रेड कलर में और ब्लू में इनटेक है. ये वर्किंग है, यानी यहाँ पे बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ इनटेक और ये रिटर्न है. तो कोई भी जो वर्किंग है उसके जो इनटेक है मेन इनटेक में जाके मिल रहे हो, ठीक है, यानी हवा वो मेन इनटेक से ले रहा हो और जो भी रिटर्न है वो मेन रिटर्न में जाके टर्मिनेट हो रहे हो, यानी जो उसका डिस्चार्ज होगा हवा का वो मेन रिटर्न के अंदर में हो रहा हो. तो ऐसे जो वर्किंग पोर्शंस होंगे उनको हम लोग बोलेंगे वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, ठीक है. ये तो हुआ नॉर्मल चीज़ के लिए. अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए वर्किंग है कोई, पूरी की पूरी वर्किंग, मान लीजिए इनटेक है और ये रिटर्न है, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है. इनटेक क्या हो रहा है, नेचुरल मीन से हो रहा है, यानी नेचुरल हवा जाएगी पूरे माइंड को वेंटिलेट करेगी फिर रिटर्न से बाहर आ जाएगी. तो ये जो पूरा पोर्शन बचेगा ना, इसको बोलेंगे हम लोग एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, जब ये नेचुरली वेंटिलेटेड हो इस केस के लिए, ठीक है. तो ये बहुत सिंपल सा है, डायग्राम से आप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट है वर्किंग. मीन्स एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल. माइंस के अंदर में कोई भी एक्सकवेशन जो कि कोयला प्रोड्यूस करने के लिए, कोयला ऑब्टेन करने के लिए या कोयला खोजने के लिए बनाया जा रहा हो, उसको बोलते हैं वर्किंग. नेक्स्ट है वर्किंग प्लेस. मीन्स एनी प्लेस इन अ माइन टू विच एनी पर्सन हैज़ लॉफुल एक्सेस. यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे लोगों को काम करने के लिए लॉफुली एक्सेस है, ठीक है, उसको बोलेंगे वर्किंग प्लेस. अब लॉफुल एक्सेस का क्या मतलब है, देखिए जैसे एक फेस है ये, ठीक है, फेस पे क्या है कि कुछ प्रॉब्लम थी, फेस पे फेंसिंग कर दी गई, डेंजर डू नॉट गो अहेड का बोर्ड लगा हुआ है. अब अगर यहाँ पर कोई आदमी घुस करके काम करना शुरू करता है तो उस केस में क्या होगा, ये उस पर्सन का वर्किंग प्लेस कभी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस प्लेस का लॉफुल एक्सेस नहीं, इस प्लेस को क्लोज किया गया है. यानी ऐसा जो भी प्लेस जहाँ पे वर्किंग अलाउड है, जहाँ पे लोग जाके काम करते हैं, उसको बोलेंगे वर्किंग प्लेस, ठीक है. नेक्स्ट है सब रेगुलेशन 2 का लास्ट. वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज इन दिस रेगुलेशंस एंड नॉट डिफाइंड हेयर इन बट डिफाइंड इन द एक्ट शैल हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम अंडर द एक्ट. यानी बहुत सारे वर्ड और एक्सप्रेशन जिनको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया लेकिन माइंस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, उन सब की मीनिंग एज इट इज़ CMR के अंदर भी एप्लीकेबल होगी. जो माइंस एक्ट के अंदर डिफिनेशन है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी. ये फिनिश हुआ डेफिनेशन का पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे इसकी आगे की चीज़ों को लेकर के, आगे के रेगुलेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे. तो आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार करें और साथ ही साथ कमेंट करें, लाइक करें और धन्यवाद.